आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। डीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में मूंग खरीदी बंद हो जाने के कारण हजारों किसान हलाकान और परेशान हैं। किसानों की ये परेशानियां हड़ताल और आंदोलन का रूप ले चुकी है। शुक्रवार को मूंग खरीदी से वंचित रहे किसानों ने काशी वेयरहाउस गनियारी के सामने टेंट लगाकर आंदोलन किया। किसानों द्वारा शासन प्रशासन से मांग की गई है कि तहसील क्षेत्र के हजारों किसान मूंग की खरीदी न होने के कारण परेशान हैं, जिससे किसानों द्वारा जुन्ना पिपरिया समिति के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर जांच की मांग की है। किसानों में धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि हमारे अधिकारियों से मांग है कि मूंग उपार्जन को प्रारंभ कराया जाए और हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापन में जुन्ना पिपरिया समिति द्वारा किए गए उपार्जन में 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त की खरीदी में लापरवाही की जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि खरीदी प्रभारी सर्वेयर और समिति की लापरवाही के कारण हजारों किसान मूंग उपार्जन से वंचित रह गए। किसानों में राजेंद्र गर्ग, ज्ञानेंद्र मिश्रा, अशोक परोहा, धर्मेंद्र गौतम, मुन्ना लाल, सुशील कुमार, राजीव शुक्ला, राजेश यादव, अंजलि बर्मन, राकेश बर्मन, कैलाश गर्ग, राजेश गर्ग, सौरभ परोहा, प्रदीप चौरसिया, गीता गौतम, किसानों ने प्रदर्शन का समर्थन करके मांग को पूरी करने की प्रशासन से मांग की है। हेलो, हम लोग यहाँ अपनी मुख्य मांगों को लेकर के सारे किसान एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों का यहाँ पर आंशिक एक विरोध प्रदर्शन है। हमने कल SDM महोदय को एक जांच के लिए, कुछ बिंदुओं की जांच हेतु एक आवेदन दिया था। आज हम लोगों ने एक आंतरिक यहाँ प्रदर्शन करके और कुछ 8-6 बिंदुओं की जांच की मांग की है। उसमें पहला है, वास्तविक किसानों की स्लॉट दिनांक समाप्त होने से पूर्व मूंग की खरीदी क्यों नहीं की गई। दूसरा, मानक एवं अमानक का क्या पैमाना यहाँ पर इस केंद्र में खरीदी का रखा गया है। तीसरा है, जो कमीशनबाजी सुनने को मिल रही है, चल रही, जो हमने देखा भी है, प्रति किसान प्रति क्विंटल कितनी राशि कमीशन लिया जाता है एवं व्यापारियों से प्रति क्विंटल कितनी राशि कमीशन लिया गया। मेरी, धर्मेंद्र गौतम किसान हूँ, मेरी 90-95 क्विंटल मूंग जो यहाँ पर षड्यंत्र के चलते नहीं तोली गई है, जिन्ना व्यापारिया से लेकर के सिवान्य वेयरहाउस से लेकर के यहाँ तक मेरी ट्राली 11 जुलाई से घूम रही है लेकिन नहीं तोली गई है, उसकी राशि जो है उसका पैसा भुगतान कौन करेगा। मेरे जैसे और कितने ऐसे वास्तविक कृषक हैं जिनकी मूंग नहीं तोली गई हो, उनकी जांच कर और उनको उचित न्याय दिलवाया जाए। दिनांक 2/8/2024 से 7/8/2024 तक प्रतिदिन कितनी बोरी खरीदी की गई व कितनी बोरी फीडिंग की गई, इसकी जानकारी जांच करके और हम किसानों को दिया जाए। और साथ में जितने कृषक हम लोग बचे हुए हैं जिनका स्लॉट लेफ्ट करवा दिए हो गया है और उनकी मूंग की तुलाई नहीं हुई है, उन सबको ऐसी कुछ व्यवस्था दे कि शासन उनका स्लॉट की एक पोर्टल चालू करे और एक डेट निर्धारित करे और सारे किसानों की मूंग वो फिर से यहाँ पर तुलाई करे ताकि उनको लाभ मिल सके। हमारी इन मांगों पर गौर नहीं किया गया तो कल 12 बजे से हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे सारे।